रुक्मिणी जी को अपनी सहेली के बेटे की शादी में जाना था। उन्होंने अपने गहनों का बॉक्स निकाला तो उन्हें अपना सोने का कंगन नहीं मिल रहा था। हालांकि उन्होंने अपने सारे भारी गहने बैंक लॉकर में ही रख छोड़े थे, लेकिन घर पर ही वह हल्के फुल्के गहने रखती थी। उन्हें गहने पहनने का बहुत शौक था और उन्हें कहीं भी बाहर जाना होता था तो थोड़ा अच्छे से तैयार होकर जाती थी और गहने पहन लेती थी, इसलिए घर पर भी उन्होंने कुछ गहने रख छोड़े थे। वैसे तो वो अलमारी को हमेशा लॉक करके रखती थी, लेकिन जब भी छुट्टियों में उनके बेटे बहू और बेटी दामाद घर आते थे तब उन लोगों का काफी सारा सामान वो अपनी अलमारी में ही रख लेती थी। और उस समय भी वो लॉक लगाती तो थी, लेकिन बेटी और बहू की चाबी मांगने पर उन्हें चाबी दे देती थी। वैसे भी सब घर के ही सदस्य थे तो उन्हें कोई चिंता नहीं रहती थी, लेकिन इस बार उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उन्होंने वह कंगन पूरे घर में ढूंढ लिए लेकिन वह कंगन कहीं नहीं मिले। वैसे भी वो इतनी लापरवाह नहीं थी। बाहर से आने के बाद वह अपने गहने निकाल कर गहनों के बॉक्स में रख कर अलमारी में ताला लगा देती थी, लेकिन आज ये पहली बार हुआ था कि उन्हें उनके कंगन नहीं मिल रहे थे। उनकी बेटी और बहू को गए हुए महीने भर ही हुए थे। अब वो सीधे सीधे पूछती तो बहू को या बेटी को बुरा लग सकता था, इसलिए उन्होंने दोनों से ही घुमा फिरा कर इस बारे में बात कर ली थी और दोनों ने ही कहा था कि घर में ही कहीं कंगन होंगे, आप कहीं और रहकर भूल गई होंगी। अब उन्हें इतना तो पक्का पता था कि वह इतनी भुलक्कड़ भी नहीं हो गई है कि सोने के कंगन कहीं रखकर भूल जाए, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि कंगन आखिर गए कहां। फिर बात आई गई हो गई। उन्होंने सोचा कि अगर कहीं गलती से कंगन रख भी दिए होंगे तो कभी न कभी तो मिल ही जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उनके पति सुधाकर जी उन्हें छेड़ते हुए कहने लगे, अरे भाग्यवान, चलिए हम आपको नए कंगन दिला देते हैं। वैसे भी औरतों को तो गहने खरीदने का बस एक बहाना चाहिए होता है, और आपके कंगन खो गए हैं तो यह तो एक बहुत बढ़िया बहाना होगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? रुक्मिणी जी हंसते हुए कहने लगी, सारी जिंदगी तो बच्चों की जिम्मेदारियों में ही निकाल दी, तो जीवन संध्या में अगर खुद के शौक पर ध्यान देना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? लेकिन फिलहाल मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए, मेरे पास सोने की चूड़ियां हैं, मैं उनसे ही काम चला लूंगी। उन्होंने पति के सामने तो सामान्य होने का दिखावा कर लिया था, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर वह कंगन गए कहां। साल भर के बाद फिर से छुट्टियों में उनकी बेटी और बहू घर आए हुए थे। रुक्मिणी जी पिछली बात को भुला बैठी थी और बच्चों के आने से बहुत खुश थी। इस बार भी सभी बच्चे छुट्टियां बिताकर अपने अपने घर लौट गए। एक दिन मधुकर जी उन्हें शॉपिंग पर लेकर जा रहे थे, तभी रुक्मिणी जी को याद आया कि 2 महीने पहले उनका एक मंगलसूत्र थोड़ा टूट गया था और उन्होंने वह संभाल कर रख दिया था। उन्होंने कहा कि आज हम बाजार जा रहे हैं तो मंगलसूत्र भी बनवा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह जैसे ही मंगलसूत्र निकालने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि इस बार उनके गहनों के बॉक्स में से मंगलसूत्र गायब था। अब तो उनका दिमाग ही घूम गया। उन्हें अच्छे से पता था कि वह किसी से भी पूछेंगी तो कोई भी उन्हें कुछ नहीं बताएगा, इसलिए इस बार उन्होंने मौन साध लिया और मन ही मन एक योजना बनाने लगी। कभी कभी तो रात को भी उन्हें ऐसा लगता था कि उनका कोई जेवर गायब तो नहीं हो गया और वो गहनों का बॉक्स चेक कर लेती थी। अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि कोई घर का ही इन सब में शामिल है, क्योंकि साल भर तो काम वाली बाई आती है तब तो कोई जेवर गायब नहीं होता है, लेकिन जब बेटी और बहू घर आती है तभी उनका गहना कैसे गायब हो जाता है। अपने मन की बात वह मन में ही रखे हुए थी, क्योंकि अगर किसी पर वह खुलकर आरोप लगा देती तो बेटी और बहू बुरा मान जाती। वैसे भी वो बिना किसी सबूत के किसी पर कोई इल्जाम लगा भी कैसे सकती थी। गर्मी की छुट्टी आने वाली थी, फिर से बेटी और बहू ने फोन करके उन्हें बता दिया था कि वो लोग कब आ रही हैं, लेकिन इस बार रुक्मिणी जी पूरी तैयारी करने वाली थी। एक दिन मधुकर जी सब्जियां लाने के लिए बाजार गए हुए थे और काम वाली बाई भी काम निपटा कर चली गई थी। उसी समय रुक्मिणी जी ने कैमरा लगाने वाले को बुलाकर अपनी अलमारी के सामने एक छिपा हुआ कैमरा लगवा लिया। उसकी रिकॉर्डिंग उनके फोन में वह बड़े आराम से देख सकती थी। उन्होंने यह बात अपने पति से भी नहीं बताई, क्योंकि अगर वह उन्हें यह बात बता देती तो वह हंसने लगते कि तुम अपने ही बच्चों पर शक कैसे कर सकती हो। लेकिन यह बात भी तो सही थी कि बच्चों के आने के बाद ही उनके गहने गायब हो जाते थे। बाकी साल भर तो अगर वह ड्रेसिंग टेबल के पास भी कोई गहना छोड़ देती थी तो वह गायब नहीं होता था, लेकिन यह बात वह पति से कह नहीं सकती थी। अब उन्होंने मन ही मन उस चोर को सबक सिखाने की योजना बना ली थी। तय समय पर उनकी बेटी अपने बच्चों के साथ घर आ चुकी थी। इस बार दामाद को ज्यादा छुट्टियां नहीं मिल पाई थी, इसलिए वह घर नहीं आया था। बहू भी अपने पति और बच्चों के साथ घर आ चुकी थी। बेटा तो सप्ताह भर के बाद बहू को पहुंचाकर चला गया। तब तक रुक्मिणी जी के सारे गहने सही सलामत थे। रुक्मिणी जी बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि इस बार उनके गहने चोरी ना हो, क्योंकि वह अपने ही परिवार में यह सब होते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन एक सुबह अचानक से जब उन्होंने अपनी अलमारी खोलकर देखा तो उनकी एक अंगूठी गायब थी। तभी उनकी बहू कमरे में आई। उन्हें कुछ ढूंढते हुए देखकर वो कहने लगी, मम्मी जी क्या हुआ? रुक्मिणी जी के मुंह से निकल गया, बहू मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है। यह सुनकर उनकी बहू कुछ सोचते हुए कहने लगी,
पिछली बार भी आपके सोने के कंगन गायब हो गए थे ना, आखिर बार बार आपके गहने कौन निकाल लेता है, घर में तो सब अपने ही है। तभी उनकी बेटी भी वहाँ पर आ गई और कहने लगी, क्या हुआ माँ, फिर से कोई गहना गायब हो गया क्या? मैं तो कहती हूँ आप घर में कैमरा ही लगवा लो, तुरंत चोर पकड़ा जाएगा। रुक्मिणी जी मन ही मन सोचने लगी कि जब तुम दोनों यहाँ आती हो तभी ये चोरी होती है, अगर तुम दोनों में से ही कोई चोर निकली तो मैं ये कैसे सहन कर पाऊंगी। हालांकि चोर अब उनकी पकड़ से ज्यादा दूर नहीं था, उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा कि तुम दोनों चिंता मत करो, जो भी असली चोर होगा वो शाम तक मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। उनकी बेटी और बहू दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उनकी बहू बोल पड़ी, मम्मी जी ऐसा आपने क्या कर दिया है जो चोर तुरंत आपकी आंखों के सामने होगा। बेटी भी उत्सुकता से पूछने लगी, हाँ मम्मी तुम चोर को कैसे पकड़ोगी। रुक्मिणी जी ने कहा, वह मैं तुम दोनों को शाम को बताऊंगी, तुम दोनों जाओ अपना काम करो, मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। दोनों ही असमंजस में डूबी हुई कमरे से बाहर निकल गई। रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आने लगे कि हो ना हो उनकी बेटी या बहू में से ही कोई चोर है। उन्हें तो अब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन चोर का पता लगाना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने चुपचाप वह रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग देखते ही उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह जो देख रही थी वह सच है। उन्होंने अपना मोबाइल बंद करके एक किनारे रखा और अपनी अलमारी को लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। अब वह शाम होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि शाम को वो पूरे परिवार के सामने असली चोर को सामने लाने वाली थी। शाम हुई, उनकी बेटी और बहू ने मिलकर चाय नाश्ता तैयार कर लिया था। सभी लोग साथ मिलकर चाय नाश्ता कर रहे थे। मधुकर जी भी ऑफिस से घर आ चुके थे। उनकी बेटी और बहू बार बार रुक्मिणी जी की ओर देख रही थी कि आज वो चोर के बारे में कुछ बताने वाली है। रुक्मिणी जी शांति से चाय पिए जा रही थी, तभी घर का काम करने वाली चंपा काम करने आई और घर के कामों में जुट गई। जब उसने काम खत्म कर लिया और वहां से जाने लगी तो जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने लगी उसके कदम रुक गए। रुक्मिणी जी जोर से बोल रही थी, आज मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे गहने किसने चुराए हैं। चंपा भी रुक कर देखने लगी कि आखिर हो क्या रहा है। रुक्मिणी जी कहने लगी, जब भी मेरी बेटी और बहू दोनों घर आती है तभी मेरा कोई गहना गायब हो जाता है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बस तुम लोगों को जो भी हो रहा है वो बता रही हूँ। रुक्मिणी जी की बेटी और बहू का चेहरा सफेद पड़ने लगा। बहू बोल पड़ी, मम्मी जी आपको क्या लगता है कि आपके गहने मैं चुराती हूँ। बेटी भी बोल पड़ी, माँ कहीं आप यह तो नहीं सोच रही कि मैं आपके गहने चुरा कर ले जाती हूँ। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रुक्मिणी जी धीरे से बोली, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे गहने कौन चुराता है, इसलिए मैंने कुछ बोलने से पहले अपने कमरे में कैमरा लगा दिया था। और जानना चाहते हो असली चोर कौन है? असली चोर यह चंपा है। यह सुनते ही चंपा के चेहरे का रंग उड़ गया, वो घबराकर घर से भागने लगी। तो रुक्मिणी जी ने आगे बढ़कर घर का दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगी, अब तुम भागकर कहाँ जा रही हो, अभी पुलिस आती होगी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। यह सुनकर चंपा फर्श पर गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी, मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। साल भर तो घर में केवल मैं ही आती जाती थी, उस समय अगर मैं कुछ भी चोरी करती तो सीधा इल्जाम मुझ पर ही आता, इसलिए मैंने वह समय चुना जब घर में बहुत सारे लोग रहते हैं ताकि आप अपनों पर ही शक करती रहे और किसी से कुछ न कहें। वैसे भी कोई अपनों पर इल्जाम नहीं लगा सकता है, इसलिए मैंने इसी बात का फायदा उठाया। मैंने तो आपकी अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी, आप लोग जब बाहर व्यस्त रहती थी तो मौका पाकर मैं कमरे में जाती थी और कोई भी छोटा मोटा गहना निकाल लेती थी ताकि आपका नुकसान भी ज्यादा ना हो और आप छोटी मोटी चीजों की चोरी के लिए अपनी बहू या बेटी पर इल्जाम भी ना लगा पाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि साल भर में एक गहना चोरी होने पर भी आप ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। वह फूट फूट कर रोने लगी थी। रुक्मिणी जी कहने लगी, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वैसे भी लोग तुम पर भरोसा करके तुम्हें घर में घुसकर काम करने की इजाजत देते हैं। चोरी करके तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं एक अपराधी को बढ़ावा दूंगी और अपराधी हमारे समाज के लिए सही नहीं होता है। तभी पुलिस घर आ गई और उन्होंने चंपा को गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि इन लोगों का एक गिरोह था जो ऐसे ही लोगों के घरों में चोरी करने का काम करता था। जब ये लोग काफी ज्यादा चोरी कर लेते थे तो वहाँ काम करना छोड़ देते थे और दूसरे शहर चले जाते थे। चंपा और भी बहुत सारे घरों में चोरी करती थी लेकिन कभी पकड़ी नहीं जाती थी। लेकिन रुक्मिणी जी के कारण आज उसकी चोरी पकड़ी गई थी और बहुत से लोगों को उनके गहने वापस मिल चुके थे। दोस्तों, चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चोर का पता जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही बड़े अपराधों की शुरुआत होती है और यदि छोटे स्तर पर ही अपराधी को उसकी सजा दिलवाई जाए तो बड़े बड़े अपराध होने से रुक जाते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा और मेरी लिखी हुई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।